है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाउडिच रूल्स। तो जो बाउडिच रूल होता है वो किसके लिए यूज होता है? जो हमारे क्लोज ट्रेवर्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए इस रूल का यूज होता है। यानी जब भी हमारे क्लोजिंग एरर्स आएंगे या जो हमारे लेटिट्यूड या डिपार्चर में कुछ एरर आता है तो उन्हें करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउडिच का रूल यूज करते हैं। तो बाउडिच रूल्स क्या होता है उसे हम समझते हैं और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाउडिच रूल्स क्या होता है और इसके क्या अजम्पशन होते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर एडजस्टिंग ट्रेवर्स ऑफ लाइन बाय अप्लाइंग करेक्शन टू देम। यानी इस मेथड का हम यूज क्या करेंगे, ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के लिए। और इस मेथड के बेसिस पे यहाँ पे हमारे मेनली दो अजम्पशंस होते हैं। अब जो दो अजम्पशंस है वो क्या, वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, द एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। यानी जो हमारी लाइन की लेंथ रहेगी उसके क्या होगा, जो एरर आएगा लीनियर मेजरमेंट में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारी लेंथ ऑफ लाइन रहेगी उसके स्क्वायर रूट के। अब हमारे जो एरर आएंगे एंगुलर मेजरमेंट में उससे रिलेटेड क्या अजम्पशन है, द एरर इन एंगुलर मेजरमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। यानी जो हमारी लाइन ऑफ लेंथ रहेगी उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, हमारे एंगुलर मेजरमेंट्स का एरर। तो यहाँ पे हमारे पास दो अजम्पशंस आ गए। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जब भी हम बाउडिच रूल्स यूज करते हैं किसके लिए, लेटिट्यूड और डिपार्चर में करेक्शन करने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हमारा ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स होगा तो उसमें जितने भी हमारे लेटिट्यूड या डिपार्चर आएंगे उन सभी का सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी साउथिंग और नॉर्थिंग दोनों लेटिट्यूड का सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और ईस्टिंग और वेस्टिंग डिपार्चर का सम भी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर उनका सम जीरो नहीं आता है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करके उनको करेक्ट करते हैं। तो बाउडिच रूल्स का फार्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। करेक्शन टू लेटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड इज इक्वल्स टू टोटल एरर इन लेटिट्यूड और डिपार्चर। जो हमारा लेटिट्यूड या डिपार्चर दोनों के लिए अलग अलग है लेकिन फार्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेटिट्यूड के करेक्शन के टाइम पे हम लेटिट्यूड का एरर पुट डाउन करेंगे और डिपार्चर के टाइम पे हम डिपार्चर का एरर पुट डाउन करेंगे। तो टोटल एरर इन लेटिट्यूड या डिपार्चर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डेट साइड, यानी जिस साइड के एरर के हम बात कर रहे हैं उस साइड की लेंथ, डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन की लेंथ कितनी आ रही है, 7 मीटर आ रही है। उसके जो डिपार्चर है उसमें कुछ एरर आ रहा है, मान लो 3 का एरर आ रहा है। अब उसका जो पेरीमीटर यानी जो भी हमारा क्लोज ट्रेवर्स है उसका टोटल पेरीमीटर कितना है, 70 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/70 लिखेंगे और जो एरर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें करेक्शन मिल जाएगा उसके लेटिट्यूड या डिपार्चर का। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला आ गए, उन्हें हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू सम्मिशन ऑफ एल। यहाँ पे जो एल है वो क्या हमारा लेटिट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एल, स्मॉल एल यहाँ पे हमारा क्या है, उस लाइन की लेंथ, डिवाइडेड बाय सम्मिशन ऑफ स्मॉल एल। यानी यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर है, सम्मिशन ऑफ एल यानी क्या आएगा हमारे पास पेरीमीटर, जितने भी हमारे ट्रेवर्स साइड होंगी उन सभी का सम्मिशन। सेम डिपार्चर के लिए डेल्टा डी इज इक्वल्स टू सम्मिशन ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन में सम्मिशन ऑफ एल। यानी सेम वही फार्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिपार्चर में करेक्शन करना है उसके लिए फार्मूला क्या बन गया, टोटल डिपार्चर का एरर मल्टीप्लाइड बाय उस लाइन की लेंथ अपॉन में सम्मिशन ऑफ लेंथ यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, सम्मिशन एल क्या है, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो डेल्टा एल हमारा क्या होगा, करेक्शन टू लेटिट्यूड ऑफ एनी साइड, एंड डेल्टा डी हमारा क्या होगा, करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी साइड। समीशन एल क्या होगा, हमारा टोटल एरर इन लेटिट्यूड, और समीशन डी क्या होगा, हमारा टोटल एरर इन डिपार्चर, और समीशन एल क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ पेरीमीटर यानी जो हमारा पेरीमीटर आएगा ट्रेवर्स उसकी टोटल लेंथ, और स्मॉल एल हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ एनी साइड यानी जिस भी साइड की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसकी लेंथ। तो ये हो गया हमारा बाउडिच रूल्स। तो बहुत इजी और शॉर्ट था। तो इस रूल का यूज करके हम क्या करते हैं, लेटिट्यूड और डिपार्चर के एरर को दूर करते हैं, और साथ ही इस रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लोजिंग एरर आते हैं उन्हें भी हम इससे करेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा बाउडिच रूल्स। अब इसी टाइप से एक और रूल होता है ट्रांजिट रूल, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और एकदम शॉर्ट में समझ लेंगे क्योंकि वो भी इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो आई होप आपको बाउडिच रूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रांजिट रूल क्या होता है। तो जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।